हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सलमान खान की फिल्म भारत और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार किया था। जहां एक तरफ सलमान खान की फिल्म भारत ने 211 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरी तरफ मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 202 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जहां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में सलमान खान की भारत ने मिशन मंगल को पीछे छोड़ दिया था, वहीं टीवी पर भी इन फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दरअसल टीवी पर दर्शकों ने सबसे ज्यादा बार सलमान खान की फिल्म भारत को देखा है, वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर अक्षय की मिशन मंगल है। बता दें कि टीआरपी के मामले में देश की जनता ने मिशन मंगल से ज्यादा भारत को टीवी पर देखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो सलमान खान की भारत ने अक्षय कुमार की मिशन मंगल को पटखनी दे दी है। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बात की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सलमान खान की भारत को टीवी पर अक्षय कुमार की फिल्म से ज्यादा देखा गया। सलमान की भारत का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 20 अक्टूबर को किया गया था और मिशन मंगल 25 अक्टूबर को पहली बार टीवी पर दिखाई गई थी। बाग की तरफ से ट्विटर पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सलमान की भारत को जहां 8.9 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा, वहीं अक्षय कुमार की मिशन मंगल को महज 5.6 मिलियन लोगों ने ही टीवी पर देखा है। कहना गलत नहीं होगा कि टीवी पर भी सलमान खान का ही राज बरकरार है। बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हुई है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सलमान की फिल्मों को लगातार मात दे रही है। लगता है यही वजह है कि सलमान ने फिल्म भारत के जरिए खिलाड़ी कुमार से बदला ले लिया है। वैसे बात करें दोनों ही स्टार्स के वर्क फ्रंट की, तो जहां सलमान खान जल्दी फिल्म दबंग 3 में नजर आएंगे, वहीं अक्षय कुमार फिल्म गुड न्यूज के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने आ रहे हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। So, कुछ प्रेशर है आपके ऊपर क्योंकि टी सीरीज के सारे गाने हिट होते हैं, तो इस मुन्ना बदनाम को लेकर कुछ प्रेशर है आपके ऊपर? पहले से ही ब्लॉकबस्टर है। आप जब विजुअल देखेंगे और जिस तरीके से गाना भाई ने करवाया, इट्स वेरी वेरी गुड। और अलग किस्म का गाना, सेम गाना थोड़ी छापे हम लोग, अलग गाना बनाया। सिर्फ वो मुन्नी बदनाम का मुन्ना बदनाम हुआ, गाना अलग है, टोटली अलग गाना है। सही जी, गुड लक आपके करियर के लिए। आपका फेवरेट एक्टर कौन है, अगर आप हमें बता सके? यहीं पे खड़े हैं बाजू में। ये यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे भी बैठे हैं। हाँ, करेक्ट। और एक्ट्रेस भी वहाँ पे बैठी है माँ। ओके, जस्ट पास द माइक। हु एल्स? या कैन वी हैव द माइक, गो राइट देयर। प्रभु प्रभु वनकम। इनसे भी तो पूछो इनका फेवरेट एक्टर कौन है। खामोश। எப்படி இருக்கறங்க பிரபு? எப்படி இருக்கறங்க? எப்படி இருக்கறங்க? சௌக்கியமா தானே? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, who has dubbed Salman's character in Tamil Telugu? யார் டப் பண்ணுங்க? I'm still going on, but I forgot the name. He's very good. In fact, I heard a little bit of the dubbing, so I was going to dub it. You were going to dub it? I was going to dub all the three languages. Oh. So I went to the dubbing studio to dub it, and I said one line in Tamil. So the person who was doing my dubbing said, "Very good, sir." Okay. Said again. So one more. No. Okay, sir. Okay. So I said, "Ye to language bahut simple hai, yaar." Then it went to him to check. He said, "Sir, what language you dubbed in?" I said, "But your guy saying okay. Now what to do? I'll do again." He said, "No, sir. You're sounding like some foreign language only. I am from here. I'm not understanding you." So then we got a voice that was very close to mine to dub the Tamil, then the Telugu, and the Kannada version. Salman, you like dubbing on your face? You like dubbing on your face? I like what? Dubbing on your face. I don't mind it. If I can have someone singing for me on my face, so then dubbing. I just don't like people in my face. Salman, aapse ek sawal hai.
अभी बात हुई स्क्रिप्ट की और हीरोइज्म की, तो अगर बात करें टाइगर की और दबंग चुलबुल पांडे की, तो दोनों भले एक अंडरकवर कॉप है एक पुलिस वाला है, लेकिन दोनों जाबाज हैं, दोनों देश के लिए करते हैं। तो स्क्रिप्ट वाइज और एक्शन वाइज ज्यादा डिफिकल्ट कौन है, चुलबुल पांडे या फिर टाइगर? ये सवाल मैं नहीं आपको दूंगा, ये सवाल आपको मिलेगा मेरे घुटनों से, मेरे पीठ से, मेरी गर्दन से, मेरी कोनियों से, मेरी पसलियों से। ये जवाब आपको वो देंगे कि दोनों ही बड़े कठिन हैं। One second, I'm just giving, yeah. Hi, Sai Tuna from Web Dunia. How are you? I'm good, how are you? आपको देख के अच्छा लग रहा है, you're looking very pretty. Thank you. क्या खाया आपने? ओके, आपसे ये जानना चाहूंगी, इसके पहले जब भी सलमान जी से आप मिलते थे, वो आपके घर पे सपोज आते थे आप, तो क्या नाम से पुकारते थे और क्या अब आपने उनको सलमान सर बोलना शुरू कर दिया है? मैं हमेशा से ही सलमान सर ही बुलाती थी उन्हें। और कितना कुछ चेंज आता है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस आती हैं तो रिलेशनशिप में सीनियर्स के साथ जो आपके पिताजी के दोस्त रहे हैं? जी, इतना चेंज नहीं आता क्योंकि मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, तो हमारा रैपो वही है, लेकिन चेंज तो नहीं आता। हाय सलमान, यो आपके राइट में सुहेल, हाय, कांग्रेचुलेशंस टू यू अरबाज एंड द एंटायर टीम, द ट्रेलर इज सुपर्ब, लाइक एक्सीलेंट। You liked it? Yeah, definitely. You guys like the trailer? Yeah. कोई सवाल? Response दिए नहीं आप लोगों ने? सलमान, जैसे आपने कहा कि अरबाज नर्वस होते हैं, डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर एज एन एक्टर लाइक थोड़े नर्वस थे दबंग के वक्त, बटरफ्लाई, पर आप भी इतने साल हो गए, पीपल आर रियली वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दिस फिल्म, तो नर्वसनेस आपको भी होता है और या आप भी कितने ईगर हो इस फिल्म को लेकर? I'm really excited for this film. I'm waiting for the 20th of December to come. And then more than that, also ke the fans hamari is film ko, you know, kitna appreciate karegi. That is the most important thing. Ke bahut sari bahut mehnat gayi is film ke andar, balki jitni mehnat Tiger mein gayi thi aur ek tha aur jitni bhi, you know, जो पहली फिल्म में जो मैंने की है उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत इस फिल्म में गई है, फ्रॉम द स्टोरी टू यू नो प्रोडक्शन टू डायरेक्शन टू एक्शन टू सॉन्ग्स टू द होल क्रिएटिव जर्नी टू एवरीथिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स गॉन इन दिस फिल्म। सोनाक्षी, यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यो या सोनाक्षी, आपका एक डायलॉग था पहली फिल्म में, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से डर लगता, तो इस तरह का कोई डायलॉग इस बार भी हमें कुछ, यू नो, एक सिग्नेचर जो स्टाइल है आपकी, वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बट जब आप फिल्म एक नहीं काफी है, बट स्प्रेड आउट, वेल स्प्रेड आउट थ्रू द फिल्म। मेरी कंप्लेंट यही थी अरबाज भाई से और प्रभु सर किससे कि ट्रेलर में नहीं डाला इस बार, बट आप फिल्म में देख लेंगे। हाय सलमान, सरिता सिंह हियर। आपको याद होगा जब दबंग नई आई थी, ऑन अ लाइटर नोट दिस क्वेश्चन इज, तब मैंने आपसे कहा था कि देश भर में जितने यूपी के पांडे, पाठक, मिश्रा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये तो सब लोग यहीं पे खड़े हैं, हमारे साथ ही खड़े हैं, वो सारे लोग जो है वो अपनी बेटियों की शादी चुलबुल पांडे के लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं, और मुझे अब तक आपको वो एक्सप्रेशन याद है जो एक्सप्रेशन आपने दिया था। चुलबुल पांडे की तो शादी हो चुकी है और उनकी सुपर सेक्सी मिसेज यहीं पे खड़ी है उनके बगल में, तो जो कि अभी भी उनकी हबीबी हैं। तो अब बाकी लोगों को, पंडितों को क्या जवाब देंगे आप, जो अपनी बेटियों का रिश्ता भेज रहे थे उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए वो रिश्ते। चुलबुल पांडे तो गए भाई, गए भाई। सलमान खान अवेलेबल है। थैंक यू। स्ट्रेट इन द मिडिल। स्टोरी तो हमने काफ़ी टाइम पहले ही लॉक कर दी थी, बट आई वॉज डूइंग सम अदर फिल्म्स एंड देन वी वॉन्ट टू रियली रियली क्रैक दिस वन, और हमको हीरोइन नहीं मिल रही थी, हीरोइन हमारी थोड़ी छोटी थी, तो वी वेटेड फॉर हर टू ग्रो अप।